अम्मा तो कल तक ठीक रहनी, अचानक का भेल? वो पैर में दर्द बा, ऐसे अम्मा आराम करे के चाहत रहनी। ठीक बा। श्वेता तो और फोन बजत बा, तो और पापा का फोन हुई, द हम के तो हम बात कर लेते ना। पापा के फोन लेके हमारे फ्रेंड के फोन, हम बाद में बात करें। ठीक बा। श्वेता, हमके काहे ऐसा लगत बा कि तू हमसे कुछ बात छुपाओ? तो बात कहा, तनी खुल के बताओ। कुछ बात नहीं की माधव जी, अगर कुछ बात हुई तो हम आपके जरूर बताए। श्योर ना? पक्का। ठीक है। आ गए लेन, एक वजह से फोन काट दे लेन। तू के है वा? बोला वो का चाहिए तोरा के? श्वेता, का बहन केकर फोन रहे? हमारे फ्रेंड के फोन रहे। आप काहे इतना परेशान है यहाँ? अरे हम काहे परेशान होगी, हम तो ऐसे ही पूछ ले लीजा। अच्छा ये बतावा, जब माधव पूछलन कि साड़ी लेवे काहे ना गयलू, तो ये काहे बोल देलू कि दीदी के तबियत खराब है? हम समझ सकत है, अब माधव पूछलन तो तू घबरा गयलू, अब घबराहट में सोचू कि का बोली का ना बोली। चलो कोई बात ना, बला टलक। अच्छा ठीक बा। अब दीदी कहलन कि दोबारा से साड़ी वाला के फोन कर लिया। ठीक बा? हाँ। के हो सकेला जे हमरा के बार बार फोन करके हमरा के टॉर्चर कर रहल बा? हमरा के पता करे के पड़ी, कहीं कहीं माधव जी के पता चल जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। ना दिन से कितना आराम से झूठ बोल के ई घर में रहता नहीं, अगर अगर सच्चाई सबके पता चल जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए, बहुत गड़बड़ हो जाए। कुछ भी करके ये आदमी तक हमरा के पहुंचे के पड़ी। ये क्या हो सकेला? अगर सच्चाई पता चल जाए हमरा के ही घर से वापस जाए पड़ी। ये हमरा होवे के देव, कुछ ना कुछ उपाय करे के पड़ी और वो आदमी तक हमरा के पहुंचे के पड़ी। तू यहाँ कमरे में का कर दू? तुम्हारा तो मगनी होती केरा।
चला हमने किसने बाप अरे चला तो एक इम्पोर्टेंट कॉल आवा था हम बाद में चले चलना श्वेता का नाटक करत हूँ जरूरी फोन है फोन के बाद हम आवा थे तू लोग चला चलना यार हमने के भी चलन जा पता नहीं एकरा के कोनो जरूरी फोन आवे के है चला चल। ए झूठ बोलवे अभी रुद्र के बुलावत है रुद्र रानी छोड़ो ओकरा के तू अपना डब्बा ढक्कन उठावा और जाए यहाँ से दीदी हमरा तो लागत था कि इस समय उस शक्ति के हाथ है बाहरे से वो ना हमने सबके खेल बिगारत होगी उ दिन देख लो ना रुद्र के साथ का कैलस जे बाहर जात हा ओकरा मारे पीटे लागत हा पता ना का हो रहल बा नक तो कुछ समझ नहीं क्या बात अरे अम्मा जी मौसी जी हाय देखिए वो साड़ी वाले भैया एक डब्बा यही भुला गई नी फेंक देख रहा के कचरा में अम्मा जी चुप उठावा साड़ी और जाए यहाँ से हे भगवान एक कोयला साड़ी में कैसे बदल गई दीदी हमरा तो कुछ गड़बड़ देखा था चंदा के हाथ लगाते ही कोयला साड़ी में बदल गई हम तो एकदम क्लियर है कि इस सब में उस शक्ति के हाथ है तभी तो बाहर से कोई चीज अंदर ना आवे दे ही हमने सबके कुछ उपाय लगावे के पड़ी हमरा के तो कुछ समझ में नहीं किया बस ये सब कहा हो रही बा हम कहा करी जब कमरा के अंदर आई ली तो फोन का घंटी बजत रहे अनजान रिंगटोन रहे जब हम बेड पे देख ली तो तकिया के नीचे फोन रहे श्वेता तांत्रिक बाबा के फोन कर लो कि नहीं नहीं अरे इतना सोचने से काम ना होगी उनके फोन करा पूरा बात बतावा और उनसे उपाय पूछा नहीं तो घर के बाहर बैठल बैठल जो बाहरी शक्ति बाना वो अपन काम करत रहे आ हमन का जब मुंह ताकत रह जल जाए श्वेता सुनात नहीं खे अरे ज्यादा सोचे से कुछ ना होखी फोन करके क्लियर करे के पड़ी कि माधो के रूम में के फोन रखवेले हा उस शक्ति के काम हा कि केहो और के हमरा के तो पूरा शक उ चंदवा पर होता हो न हो ई फोन का कांड के पीछे ओई का हाथ हुई पहले कोनो आदमी से फोन करवलस ओकरे बाद धीरे से चुपके से माधव के कमरा में जाके फोन छुपा दे लेले हुई नहीं तो सोचने वाला बात बा कि माधव और श्वेता का ब्याह होता और के बर्दाश्त केतर होता इक्को लोकर प्लान श्वेता और माधव की ब्याह के रंग में भंग डारे के है हाँ पूनम तू सही कहत हुआ तहार बात में दम है हमने सबके ना उ तांत्रिक बाबा से फोन करके तसल्ली करे के पड़ी हो सकेला कि उ शक्ति चंदवा से सब कुछ कराइल होई या फिर केहू आदमी और औरत के अपने बस में करके माधो के रूम में फोन रखवेले होई हो सकेला मौसी जी श्वेता हमरे दिमाग में एक और ही आइडिया बा
जे जे घर से बाहर गई बा ना आवत का वो सबसे पूछताछ कर जाए। अरे ये सब बात बाद में हुई, पहले तांत्रिक बाबा से बात करे के पड़ी। श्वेता तू फोन लगावा, और हाँ उस साड़ी वाला बात भी बोल दिया। हेलो, हाँ के बोला था? बाबा जी प्रणाम, हम श्वेता बोला था, नीला आंटी की भतीजी, पहचान ली की ना? हाँ हाँ पहचान गए नी, बोला का बात हुए? बाबा जी उका भैल की जी। बाबा जी प्रणाम। श्वेता का कहना बाबा? बाबा जी कहने हैं कि फोन के पीछे कौन आदमी के हाथ था, और कल के कल माता रानी की पूजा करावे के पड़ी। चला तब तक ठीक बा, हम अम्मा से बोल के पूरा पूजा का तैयारी करा ले। श्वेता तू चिंता ना करा, हमनी सब तोरे साथ है। श्वेता मेडिसिन बॉक्स। आई एम बड़ा बेस्ती सहे के परत बा, हमनी के बहुत कोशिश कर ली जा, लेकिन माताओ के सबक ने सिखा पाओ, उल्टे पैर भागे के पड़ गए वहां से। हमारे सके कोनो बात नहीं के मुन्ना भाई, फिर मौका आई कहे वाले के कहे दा, केहू के मुंह थोड़ी रोक सकेला। बाल पहुंच जाए तू लोगन टेंशन कह ले था भाई। मुन्ना भाई आओ देखा माता के पूछा होता, कल तक चावल पहुंच जाए सर। आवेदा ये पूछ के ऐसा सबक सिखाम की बिबिला जाए। हाँ भाई ये वो चाय बिना चीनी के। बड़ा अजब गजब खबर आवत अखबार में, नी के भी सुनावे था। अवैध संबंध रखने के कारण एक व्यक्ति की निर्मम हत्या, लागत बा अवैध संबंध रखे वाला की संख्या बढ़ गई बा समाज में। शुरू हो गए लोगन, खुद तो दुष्ट बा और दूसरा के न्यूज पढ़ के खुश होते हुए। ऐसे लोग अपने गांव में भी हल्का। अरे का बताए यार, हमारा तो बतावे में शर्म आवत। केकरा के बारे में बोले? अरे और के हो, माधव के बारे में बात करे थे यार।
जैसे ओकर ब्याह होल रहे ओकर तो ओकर घर वाला मिल के मुआ दिले सन फिर घरे आ गेल श्वेता रानी अब फिर चंदा एगो भितरे से एगो बाहरे से दूदू को ब्याह किस्मत होएगा तो माधव भैया जैसे ना गुटरगु खूब। अरे मुन्ना भैया अब बोला हम तो एगो फिल्म में ऐसा कहानी देख ले बानी सैया के साथ मरैया में एगो घर के अंदर एगो घर के बाहर। अरे हम तो वे कहला चाहते रहे एगो भितरे एगो बाहर के सैया के साथ मरैया में। एक क्या बकवास करते हुए अब अगर हमारे माधव भैया के बारे में कुछ और बोले ना तो हम तोनी लोगन के छोड़म नहीं। हट तू क्या बोले रे हम तोनी लोगन के समक्ष नहीं आएंगे। अरे चार तोनी लोगन छोड़म नहीं। मन रखा जा काहे इतना ताव में हुआ जा भैया श्यामू क्या बात है कहीं लोग तो उसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूछो नहीं माधव भैया चलिए यहाँ से तो हमसे कुछ बात छुपाओ कर ऐसे बोला क्या बात है बताई दा क्या जा रहे बात हमसे करते रहने यहाँ पे चंदा के बारे में का भैल डरा गया का अरे सच बोलने में काहे का डर बता ना बाबू। हाँ माधव भैया ये लोग तुम्हारा चंदा के बारे में उल्टा सीधा बोले थे ऐसे गुस्सा में हमारे हाथ उठ गए और ये लोग हमारे से झगड़ा करने लगे। ए मुन्ना तनी सुना जा आग के दिखाओ तो हुआ है हमारा पे हाथ उठा लिया ना तो दिखा दे तोरा के हम जा दिखा दो जा चल चल बदला लिया ससुर यही जग काट दे तोहनी के श्यामू हमके बतावा ये लोग चंदा के बारे में का कहत रहलन बतावा हम कहते ही बतावा बतावा ठीक है मार ला हमरा के लेकिन और के मारबा सिर्फ ई दुनू नहीं पूरा गांव तोरे चंदा के बारे में उल्टा सीधा बोलत होवे और एक के जिम्मेवार तू हा अगर आज तू चंदा से ब्याह कह लेता तो केहू के हिम्मत ना ही रहा कि तोरे चंदा पे कोई उंगली भी उठाए सके पर अफसोस। अच्छा तो ई बात है माधव भैया सिर्फ यही बात नहीं खे हम चंदा के दुख देख के और चुप नहीं रह सकेला चंदा तोरे आगे पीछे घूमत हा एकर ई मतलब नहीं खे कि ओमे कोई कमी हा। एक बात जान ला अब अगर तू चाहबो करबा तो वो तोके ना मिले अब हीन समय हा माधव भैया ठंडे दिमाग से सोच ला ना ही तो तोरे वजह से चंदा रोज रोज यही दिया जिल्लत बर्दाश्त करी गांव में तो फिर तोके का लागत बा कि आज चंदा का जवन हाल है होकर जिम्मेदार हम है। हाँ चला हमरे साथ आज हम तोके सब क्लियर कर देते हैं बैठा चला हमरे साथ। जाया बेटा सबके खातिर चाय नाश्ता का बंदोबस्त करा अम्मा वो छोटू भैया लेके आवा तड़न नहीं रहे दी हमने के अब्बे नाश्ता करके आई नहीं हो अम्मा क्या बात है आज सूरज कोनो और दिशा से उगल है का ये अम्मा जी हमने सबके मेहमान जैसा स्वागत काहे करा था वन हमरा के तो बहुत ही अजीब लगा था देखनी है अम्मा नीला भीतर से कितना खुश होके बुलबुला थे चंदा की लड़का वाला देखे आवा था ऐसे कितना खुश है हमने के जब भी दुख पड़े लाना कौन उकरा के तो खुश हो गई ला चायदा खुश रह दा दादी प्रणाम बुआ जी प्रणाम आवा जा बैठा जा माता बाबू ये सब का हुआ था हमारे को कुछ समझ में नहीं आवत का बात है श्यामू भैया हमने सबके हिया लेके आई नहीं है हम रास्ता में अम्मा और दादी से भी पूछ ली लेकिन
हमरा के कौनो कुछ ना बताउले। चंदा हम तो के सब कुछ बताई, पहले जाके तू तैयार करके आवा, काफी लेट हो गई बा। श्वेता चंदा के तैयार करके ले आवा, काफी लेट हो बा। तैयार लेकिन वो कहे खातिर? हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवत है, रहो हमरा के बताई ना का हुआ था। देखा चंदा, तू हमार बात माने लू ना? हाँ माधव बाबू, रहुआ तो जाना थे कि हम रहुआ के सब बात माना थे। यही से हम बोले थे, तू तू पहले जाके तैयार हो के आवा, श्वेता तू लेके जा, अब फिर हम सब कुछ बता दे। लेकिन माधव बाबू, हमरा के बताई था बात का है, ये तैयार ये सब काहे खातिर? देखा चंदा, हमनी सबके तो और भविष्य का काफी चिंता हो गया, ऐसे हमनी लोग जवन कुछ भी करत है जा वो तो और उज्जवल भविष्य के लिए करत है जा। देखा इस समय बहस करेगा निखिल, तू जाके तैयार होके आओ, फिर हम सब कुछ बता दे। कहा माता बाबू, हमरा वो से का सवाल करत है और रउआ हमरा के का जवाब देते? लेकिन रउआ के हमार भविष्य के इतना चिंता है, हमरे लिए तो ये काफी है। ठीक है माता बाबू, रउआ कहा थे तब हम तैयार हो जाते। श्वेता दीदी चली, कहाँ चले के? चला चंदा ऊपर चला हमरा रूम में। अब जया तू आंटी जी के रूम से एक बढ़िया सी नई साड़ी ला दा चंदा खातिर। हाँ चला चंदा। आवाज़ वो जी दादी आप लोग बैठी जाना। एक मिनट। हेलो दादी, ऐजा जौन कुछ होता ना वो देख के हमरा तो डर लागा था। शामू तोरा के बिल्कुल डरे के नहीं की, हमार चंदा के ऊपर तो बहुत बड़ बड़ मुसीबत आई ला, ओके आगे तो ही कुछ नहीं की, और हमरा पूरा उम्मीद बा कि यहू के पार कर लेनी है चंदा। चंदा के साथ भगवान कभी ना छोड़ी है, हमें पूरा यकीन बा जौन हुई सब अच्छा हुई। अब संगीता दीदी वो दिन की तरह रवो लोग हमरा के मेकअप मत कर दी प्लीज। ओ हो चंदा, वो दिन तो हमने के तोरे संगे मजाक करत रहनी जा, आज सोना करल जी, आज तो के ऐसे तैयार करल जी, जौन लड़का देखी बस देखते रह जी, और तुके पता है जौन लड़का तो के देखी ना पहली नजर में शादी खातिर हाँ कर दी। कहा दीदी जिनकरा के तैयार होके के चाहिए वो तो आराम से बैठे लई, अरे वो लोग हमरा के बेकारे में इन नेल पेंट और ये सब पाउडर पोता थे। दीदी वो तैयार हो जाए चंदा, पहले तू तो टिप टाप हो जा, तुहार मेकअप में टाइम लगेगा, ऐसे हमने के तुहार मेकअप पहले कर दे जा। अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है। देखा चंदा रुआ मत, बाहर लेका वाला आई हुआ सा लेका बड़ नीक अच्छा खानदानी लेका है, ऐसा रिश्ता ढूंढे से भी ना मिलेगा, प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। हमके पता बा कि ऐसा फैसला एकदम ना होकेला। ठीक बा, तू तू सोच ला अच्छे से, पर हाँ जवन भी निर्णय लिया उस सबके हित के लिए लिया, हमके तो और फैसला का इंतजार रही, पर एक बात कल चाहते हैं हम तो से, हमके तो और भविष्य का काफी चिंता रहेगा। चंदा तू कुछ बोलत कहीं नहीं, कुछ बोला ना। बुआ जी दादी हम कैसा लगत बा कि चंदा शादी करे खातिर राजी दिया? माधव बाबू रहुआ तो हमरा के खूब बेवकूफ बनौली, पहले रहुआ हमरा से झूठ बोल के हमरा के हिया बुलौली, और ओकरा बाद हमरा से झूठ बोल के हमरा के तैयार कई के लड़का वाला के सामने खड़ा करा दिली।
और अब रहुआ हमरा से जबरदस्ती इस शादी करे खातिर हाँ बुलावा चाहते। रहुआ से ये उम्मीद ना रहा और हमको दादी रहुआ लोगन के सब बात पहले से ही मालूम रहल और रहुआ लोगन भी हमरा से झूठ बोल ली। चंदा हमार बात सुन ला बचिया। बस दादी हमरा के और कुछ छोड़ा सुने के हाँ हमरा दिल इतना दुखा था ये सब रहुआ लोगन के मिली भगत था। देखो चंदा हेमा दादी और बुआ जी का कोनो दोष लिखे वो तो हम बोले रही तो के समझावे खाते हमके इलागत रहे कि तू हमार बात ना कर तू। हाँ माधव बाबू हम रहुआ के बात कभी ना काट रहुआ ये चाहते है ना कि हम बाहर जाके शादी करे खातिर हाँ बोल दी तो ठीक है हम हाँ बोले खातिर हाँ बोले प्यारे और ज्यादा से ज्यादा कहा हो जाए बाद अब हम की हूँ और के नाम का मंगल सूत्र आपने गले में पहन ले चाहे जिंदगी भर हम घुट घुट के कहे ना जिए हम घुट घुट के मर कहे ना जाए चाहे उग्र बात चाहे हमें जिंदा लाश कहे ना लेकिन हम रहुआ के बात जरूर मानना माधव बाबू रहुआ तो ये चाहते ही ना कि हम केहू और से शादी करे खातिर हाँ बोल दी तो ठीक है लेकिन माधव बाबू हमार एक बात रहुआ अच्छे से सुन ली हमारी जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रहुआ ही रहा आपका हमारी जिंदगी में क्यों और ना ले सके माधव बाबू क्यों और ना ले सके माधव बाबू आखिरकार तरुआ ये चाहते ना कि हम क्यों और के नाम का मंगल सूत्र अपन गले में पहन लिए ठीक है माधव बाबू तो बाहर जाके अपन फैसला सुना बताइए रउआ लोग हमरा के क्षमा कर दी वो कहा है ना कि रउआ लोग कहिया अचानक से देख के अब थोड़ा घबरा गई नहीं लेकिन अब हमरा के सब कुछ क्लियर हो गई हम अपन जवाब देवे खातिर तैयार है हम ही शादी ना कर सकते।